हे hey गाइस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इन्हेंस योर ब्रेन हेल्थ दैट इज ट्रांसफॉर्म योर माइंड साइंटिफिकली इजी वे इम्पॉर्टेंट टिप्स जो इजीली फॉलो कर सकते हो फर्स्ट एवरी मॉर्निंग हाइड्रेशन हमारे ब्रेन 75 परसेंट ऑफ अराउंड वाटर होता है सो स्टे हाइड्रेट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन फंक्शनिंग जो मैं अभी ड्रिंक शेयर कर रही हूँ वो है ब्रेन बूस्ट ड्रिंक बहुत ही अच्छा होता है हमारे ब्रेन के हेल्थ के लिए सिया सी सीड को पहले ही मैंने सोक करके रखा था दस से पंद्रह मिनट पहले उसके बाद यहाँ पे मैं कोकोनट वाटर ऐड कर रही हूँ उसके बाद थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी लम्ब रहे सीड का वो ना रहे उसके बाद यहाँ पे हाफ मैंने लेमन ले लिया है उसके बाद थोड़ा सा रॉ हनी जो होता है ऑर्गेनिक वो ऐड करेंगे थोड़ा सा पिंच टर्मरिक यहाँ पे ऐड करेंगे और पिंच ब्लैक पेपर यहाँ पे ऐड करेंगे डिज ड्रिंक पावर हाउस फॉर योर ब्रेन हेल्थ हमारे ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए ये ड्रिंक बहुत ज्यादा हेल्प करता है साथ ही साथ आपको ओवरऑल बॉडी के लिए ही बहुत अच्छा है बिकॉज पे टर्मरिक है जो एंटीऑक्सीडेंट है वाइटामिन सी है वो मेगा थ्री फैटी एसिड है जो कि आपका हेयर के लिए स्किन के लिए आपका ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिट है आपका सिर्फ ब्रेन को नहीं आपका ओवरऑल हेल्थ को ये इम्प्रूव करने में बहुत बहुत अच्छे से वॉक करता है एवरी मॉर्निंग अगर आप इस ड्रिंक को कंज्यूम करते हो तो आपका जो ब्रेन बहुत ज़्यादा जो चिड़चिड़ापन लगता है सर में दर्द होता है डिहाइड्रेशन के वजह से बहुत टाइम ऐसा लगता है सर भारी भारी हो रहा है चीजें भूलते जा रहे हैं कुछ भी चीज़ें अच्छा नहीं लग रहा है उस टाइम पे हम लोग सर दर्द होता है तो कोई भी पेन ले किलर ले लेते ये नहीं समझते हैं कि हमारा ब्रेन का हेल्थ का कंडीशन कैसा है तो ऑलवेज अपना स्किन अपना हेयर ये सब का केयर के साथ अपना ब्रेन का भी केयर करो उसको भी हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो तो ये ड्रिंक जरूर अपने डाइट पे इंक्लूड करो नेक्स्ट प्राणायामालूम विलोम बहुत ही अच्छा ये प्राणायाम है हमारे मेंटल हेल्थ के लिए ऑक्सीजन को सप्लाई करता है ब्रेन तक हेल्प करता है एंड इंप्रूव करता है फोकस करने में कोई भी काम जब हम लोग करते हैं कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें रख के या फिर कुछ काम करके हम लोग भूल जाते हैं मेमोरी बहुत ज़्यादा हम लोगों का कमज़ोर हो जाता है तो ये सारे प्राणायाम करने से धीरे धीरे हमारे मेमोरी जो है हो, इंक्रीज होता है हमारे ब्रेन का जो हेल्थ है उसका कंडीशन बेटर होता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के लाइफ में कि हम हमारे मेंटल हेल्थ पे ज्यादा फोकस करें एंड मेंटल हेल्थ को ज्यादा हेल्दी रखें तो दस मिनट हम सुबह अगर निकालेंगे और अपना पनायम पे अगर थोड़ा सा हम लोग इफेक्ट लगाएंगे ध्यान लगाएंगे तो हमारा मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा जिससे हमारे जो गोल्स है उसमें हम लोग ज़्यादा फोकस कर पाएंगे चाहे स्टडी हो चाहे कोई भी जॉब हो इंटरव्यू हो कोई भी काम हो हम लोग बहुत ही इजीली कर पाएंगे और हमारा जो ब्रेन है वो काम रहेगा वो हमेशा फोकस रहेगा अपने गोल पे तो ये छोटी छोटी चीज़ें करके हमारा मेंटल हेल्थ भी हेल्दी रहेगा और मेंटल हेल्थ health अगर हेल्दी रहेगा तो हम लोग भी खुश और हेल्दी रहेंगे नेक्स्ट रीड बुक एवरी डे बुक्स हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है हेल्दी रखने के लिए क्योंकि बुक्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे ब्रेन वॉक करना शुरू करते हैं क्योंकि हम लोग जब बुक्स पढ़ते हैं तो एक जो वर्ड पढ़ते हैं उसका हम लोग मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं तो ब्रेन तक सिग्नल जाता है ब्रेन वॉक करना शुरू करते हैं अदरवाइज अभी के टाइम पे गूगल्स में जाके हर एक चीज हम लोग देखते हैं और तुरंत हमें आंसर मिलता है जिसके वजह से हम अपना जो ब्रेन है उसको वर्क करने के लिए वक्त नहीं देते हैं हमारे ब्रेन धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है मेमोरी कमजोर होता जा रहा है जिसके वजह से हमें अपने काम पे पढ़ाई पे बहुत सारे चीजों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है जब भी हम लोग बुक्स पढ़ते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो वॉक करना शुरू करते हैं क्योंकि हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं कभी कभी रीड करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी होता है तो उसको अस्ते धीरे धीरे हम लोग वर्ड को तोड़ तोड़ के याद करते जैसे हम लोग बचपन में सीखते आए हुए हैं तो वो सारे चीज से क्या होता है हमारा जो ब्रेन है वो बहुत अच्छे से वर्क करता है मेमोरी भी बहुत अच्छे से हमारा इन्हांस होता है हम चीजों को भूलते नहीं है तो एवरी डे आप एक से दो पेज पढ़ो अगर वक्त नहीं भी है आपका ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा एंड साथ ही साथ हेल्दी माइंड रहेगा नेक्स्ट है राइटिंग राइटिंग करने से हमारे जो मेमोरी है वो बहुत अच्छे से इंक्रीज होता है हमारा ब्रेन बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है टिव होता है जब हम लोग राइट करते थोड़ा बहुत सोचते हैं, फिर राइट करते उससे हमारे ब्रेन पे सिग्नल जाता है हम लोग सोचना जब शुरू करते तो ब्रेन वॉक करना शुरू करते हैं तो अपने हेल्दी लाइफ में राइट करना जरूर आप ऐड करें इससे आपका मेमोरी और आपका ब्रेन बहुत अच्छा हेल्दी रहेगा और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा नेक्स्ट है डाइट बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है सीड्स सीड, सनफ्लॉवर सीड्स या फिर पम्पकिन सीड अपने डाइट पे इंक्लूड कर रहे हैं अपने ब्रेन को हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए डार्क चॉकलेट ब्रेन को हेल्दी बेनिफिट देता है डार्क चॉकलेट डार्क चॉकलेट इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द ब्रेन रिड्यूस करता है स्ट्रेस को बूस्ट करता है मूड को इंप्रूव करता है मेमोरी को डार्क चॉकलेट बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट होता है ग्रीन वेजिटेबल कलरफुल फ्रूट को अपने डाइट पे इंक्लूड करे ताकि आपका जो ब्रेन है आपका मेमोरी है वो हेल्दी रह सके आपका कोई सा भी जो मील होता है सुबह से लेकर रात तक एक बैलेंस डाइट रहे एंड चीज प्लेट पे रहना चाहिए जब आप अच्छा खाना खाते हो वो सारे चीज हमारा बॉडी हमारा ब्रेन में जाता है और हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल देता है एंड हम लोग जब खुश रहेंगे हमारा जब ब्रेन अच्छे से वर्क करेगा तो हम लोगों को सक्सेस भी मिलेगा और एक हेल्दी लाइफ भी मिलेगा नेक्स्ट ब्रेन एक्सरसाइज फॉर ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन हो जिसके लिए बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है वो है स्किपिंग आप हर रोज 10 मिनट अगर स्किपिंग करते हो तो आपका ब्रेन हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि आप जब स्किपिंग करते हो तो बहुत अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है आपका ब्रेन तक जाता है और आपका ब्रेन बहुत अच्छे से एक्टिव रहता है पूरा दिन आप और एक चीज कर सकते हो वो है रनिंग रनिंग करने से भी बहुत अच्छे से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो हाई होता है एंड ब्रेन तक जाता है इससे आपका ब्रेन आपका मेमोरी बहुत ज्यादा हेल्दी रहता है चीजों को भूलोगे नहीं फोकस रखोगे अपने हर एक चीज पे और धीरे धीरे आपको भी समझ में आएगा कि आप बहुत अच्छे से लाइट मूड फील कर रहे हो क्योंकि आपका ब्रेन हेल्दी रहेगा तो आपका मूड भी बहुत अच्छा होता है आपका मेमोरी भी बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको किसी तरीके से स्ट्रेस नहीं होगा क्योंकि धीरे-धीरे रिड्यूस होगा क्योंकि आप अपने ब्रेन के लिए वॉक कर रहे हो और आपका को ब्रेन को एक्टिव कर रहे हो तो ये सारी चीज ऐड करना रूटीन में नेक्स्ट है स्लीप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे स्लीपिंग पैटर्न को ठीक रखना हम जब लेट नाइट तक सोते हैं या फिर लेट उठते हैं तो पूरा दिन मूड चिड़चिड़ा रहता है हम डीमोटिवेट फील करते हैं एक्टिव फील नहीं करते एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं एंड ऐसे ही अगर चलता रहता है लेट नाइट तक जागना और देर तक सोना तो धीरे धीरे मेमोरी एंड ब्रेन दोनों बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है इससे हमारे जो लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है हमारे वर्क में स्टडी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है तो कोशिश करें आप रात में सोए रात में 10 से 11 बजे के बीच आपको सो जाना है तो आपको और घंटे के स्लीप मिलता है इसके कारण आप सुबह जब उठते हो तो बहुत आपका मूड फ्रेश रहता है बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हो और बहुत अच्छा फील होता है इसलिए क्योंकि आपको ब्रेन को रेस्ट मिला है हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा स्मार्ट ऑर्गन है ब्रेन नेक्स्ट एक्सरसाइज ब्रेन के लिए है जो डिस्प्ले में आपको दिख रहा है वर्ड इस वर्ड के साथ आपको आपका ब्रेन के साथ थोड़ा सा एक्टिव करना है जैसे कि यहाँ पे जो वर्ड है येलो ब्लैक रेड तो ये जो कलर वाइज आपको बोलना है जैसे कि ब्लू ग्रीन ब्लैक रेड ग्रीन तो इससे आपका ब्रेन कंफ्यूज होता है active. होता है ब्रेन वॉक करना शुरू करता है क्योंकि आप फोर्स करते हो तो इससे आपको शुरू शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि आपको फोकस नहीं है जिस दिन आपका फोकस हो जाएगा बहुत ही क्लियरली बोल पाओगे आपका ब्रेन का हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है तो इसको प्रैक्टिस जरूर करना अपने रूटीन पे नेक्स्ट स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एवरी डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हर रोज हमारे जो कंफर्ट जोन है वहां से निकले नेचर के साथ कनेक्ट करें और हम लोग अपने साथ टाइम स्पेंड करें अपने साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मॉर्निंग पे अगर आप अपने साथ टाइम स्पेंड करते हो आपको बहुत इम्प्रूव दिखेगा आपका ओवरऑल हेल्थ में क्योंकि आपका ब्रेन का फंक्शन बहुत अच्छे वर्क करता है ब्रेन बहुत फ्रेश फील करता है क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है आज के टाइम पे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है क्योंकि हमारे आसपास में अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है जिसके कारण मेंटल हेल्थ भी हमारा टेक केयर करना और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है जैसे आप स्किन केयर करते हो हेयर केयर करते हो वैसे अपना मेंटल हेल्थ का भी केयर करो ताकि आप हेल्दी रह सको कोई भी प्रॉब्लम्स हो उसके साथ फाइट कर सको एंड ऑफ द डे आपके साथ कोई नहीं देगा आप अपने साथ ही खड़े रहोगे तो आपको स्ट्रांग रहना है मेंटली फिजिकली तो ये सारे छोटे छोटे स्टेप अगर लोगे अपने लाइफ स्टाइल में ऐड करोगे तो वैसे ही आप खुश भी रहोगे स्ट्रांग भी रहोगे और आपको किसी की भी जरूरत भी नहीं पड़ेगी आई स्वेर क्योंकि ये सारी चीज मैं करती हूँ और मैं मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ माशाल्लाह आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा जो लोग चैनल पे न्यू हो लोग सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना और शेयर करना फिर मिलते हो नेक्स्ट ब्लॉग में बाई